हेलो फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर फाइन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अवर चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 10th ज्योग्राफी, एंड द नेम ऑफ चैप्टर इज रिसोर्सिस एंड डेवलपमेंट। ये प्लेलिस्ट पहले भी एक बार बन चुकी है और ये दूसरी बार हम बना रहे हैं। जो कमिंग स्टूडेंट्स हैं, थोड़ी सी उन नोट्स में स्पेलिंग मिस्टेक्स थी, तो वो सब हमने दोबारा से राइट डाउन किया है और बहुत सारा नया कंटेंट एंड डाटा भी इसमें ऐड किया है। सो होपफुल ये आपके लिए फायदेमंद होगा। सो लेट अस स्टार्ट। रिसोर्स, संसाधन क्या होते हैं? देखो, रिसोर्स कोई भी ऐसी चीज जो हमें प्रकृति से मिलती है और जो हमारी जरूरत को पूरा करती है, दैट इज कॉल्ड रिसोर्स। पेड़ पौधे, लकड़ी, हवा, मिट्टी, कुछ भी जो एक मानव की जरूरत को पूरा करे, दैट इज रिसोर्स। इवन ह्यूमन बींग इज ऑल्सो अ रिसोर्स। इंसान भी एक रिसोर्स है, वो दूसरी चीजों को बनाता है। रिसोर्स आर दोज थिंग्स विच वी गेट फ्रॉम नेचर एंड सेटिस्फाई अवर नीड्स, और हम अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं उनसे। टाइप ऑफ रिसोर्स, देर आर टू टाइप ऑफ रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स एंड मैन मेड रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, याद रखना इसमें ह्यूमन बींग का कोई इंटरफियरेंस नहीं होता, इनको बनाने में प्रकृति से मिलते हैं, और मैन मेड जो इंसान बनाता है। तो नेचुरल रिसोर्स जैसे मिनरल्स, आयरन, कॉपर, जिंक, ये सब, मिट्टी, वेजिटेबल्स, इटीसी, पेड़ पौधे, जो भी प्रकृति से हमें मिलता है, दैट इज कॉल्ड नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स आर दोज रिसोर्सेज विच वी गेट फ्रॉम नेचर, ठीक है। मैन मेड जो इंसान बनाता है, जैसे फर्नीचर, हाउस या फिर मोटरसाइकिल, कुछ भी जो मानव के द्वारा बनाया गया है, दैट इज मैन मेड रिसोर्स। मैन मेड रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच आर मेड बाय ह्यूमन बींग बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज। टाइप ऑफ रिसोर्सिस ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन। दो तरह के रिसोर्सिस होते हैं, बायोटिक, एबायोटिक। याद रखना, बायोटिक भी हमें नेचर से मिलते हैं, एबायोटिक भी हमें नेचर से मिलते हैं। बायोटिक हमें प्रकृति से मिलते हैं, पर इनके अंदर जीवन होता है, ठीक है, जैसे एनिमल्स, पेड़ पौधे या फिर पशु पक्षियां, ये सब। बायोटिक रिसोर्सिस दो, द रिसोर्सिस विच आर कंपोज्ड ऑफ लिविंग थिंग्स, जिनके अंदर जीवन हो और जो प्रकृति से मिलते हो, ये भी याद रखना है, दैट इज बायोटिक। अबायोटिक, दीज रिसोर्सिस विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग, इनके अंदर जीवन नहीं होता। अब ऐसी कौन सी चीज है? लोहा, कॉपर, मिनरल्स, ये सब, या फिर कोयला, इनके अंदर जीवन तो नहीं है, पर मिलते कहां से है? प्रकृति से, अबायोटिक रिसोर्स। एग्जाम्पल्स आर मेटल्स एंड मिनरल्स। अबायोटिक रिसोर्सिस आर ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर, एंड दीज आर ऑल्सो नेचुरल रिसोर्सिस, ये भी याद रखना है, नेचर से मिल रहे हैं तो नेचुरल रिसोर्सिस है। टाइप ऑफ रिसोर्सिस ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। तो अब दो तरह के रिसोर्स होते हैं, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होते हैं? द रिसोर्सिस विच कैन बी रिन्यूड, रिप्रोड्यूस बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस, जिन्हें दोबारा बनाया जा सके या प्रकृति उन्हें दोबारा से कवर अप कर लेती है, रिन्यूएबल। और नॉन रिन्यूएबल जो एक बार यूज करे और खत्म, प्रकृति के पास इनका स्टॉक लिमिटेड है, जैसे पेट्रोल, फॉसिल फ्यूल्स, इटीसी। दीज ओकर ओवर अ वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम, बहुत लंबे समय में ये बनते हैं। मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जाम्पल ऑफ सच रिसोर्सिस, और ये लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं, ये भी याद रखने हैं। अब हम रिसोर्सिस को मालिकाना हक के बेस पे भी क्लासीफाई कर सकते हैं, ओनरशिप के बेस पे। तो इंडिविजुअल रिसोर्स जो एक व्यक्ति का हो, जैसे आपका फोन, तो वो आपका है ना, तो इंडिविजुअल रिसोर्स। कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सिस जिसपे एक पूरी कम्युनिटी का हक हो, जैसे पब्लिक पार्क्स, पब्लिक प्लेसेस। नेशनल रिसोर्सेज जो देश के संसाधन है, जिसपे पूरे देश का हक है। इंटरनेशनल रिसोर्सेज जिसपे पूरी दुनिया का हक है। तो मालिकाना हक के बेस पे भी क्लासिफाई किया जा सकता है। इंडिविजुअल रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज विच आर ओन्ड बाय अ सिंगल इंडिविजुअल, एक पर्सन के द्वारा, जैसे बाइक, किसी व्यक्ति की बाइक है, वो उसका उसकी है, इंडिविजुअल रिसोर्स। कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स जो पूरी कम्युनिटी के लिए बने हुए हों, एक व्यक्ति के लिए नहीं, बहुत सारे लोगों के लिए, पब्लिक पार्क्स, टेम्पल्स, मॉस्क, चर्च, ईटीसी। नेशनल रिसोर्सिस एंड इंटरनेशनल रिसोर्सिस, याद रखना नेशनल रिसोर्सिस एक देश के होते हैं और इंटरनेशनल रिसोर्सिस पूरी दुनिया के, जैसे सी, समुन्दर,
वो पूरी दुनिया का उस पर अधिकार होता है, और नेशनल रिसोर्सेज जैसे भारत की भूमि है तो भारत के लोगों का इस पे हक है, किसी दूसरे देश के लोगों का इस पे हक नहीं है, ये नेचुरल रिसोर्स। जो टेरिटरी के अंदर होंगे, एक देश की बाउंड्रीज के अंदर होंगे, वो नेशनल रिसोर्सेज कहलाएंगे। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। अब पोटेंशियल रिसोर्सेज एंड सेकेंड वन इज डेवलप्ड रिसोर्सेज। याद रखना, पोटेंशियल रिसोर्सेज के अंदर क्षमता होती है पर अभी उन्हें यूज नहीं किया गया, डेवलप्ड रिसोर्सेज को यूज कर लिया गया है, मतलब उन्हें डेवलप कर दिया गया है। पोटेंशियल रिसोर्सेज, रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन पर्टिकुलर रीजन एंड आर नॉट एक्सप्लॉइटेड। अभी उनका सही से शोषण नहीं हुआ, एफिशियंटली एंड इफेक्टिवली। डेवलप्ड रिसोर्सेज, रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन। उनको पहचान भी लिया गया और यूज भी किया जा रहा है, मतलब डेवलप्ड हो चुके हैं। स्टॉक, मटेरियल इन एनवायरमेंट विच हैव द पोटेंशियल, जो प्रकृति के पास मटेरियल अवेलेबल है और जिसके अंदर क्षमता है ह्यूमन बींग की जरूरतों को पूरी करने की, पर अभी वो किस कारण से वो सही से उपयोग नहीं हो पा रहे, टेक्नोलॉजी खराब है या फिर और कोई प्रॉब्लम है, तो उसका स्टॉक अवेलेबल है, उसकी बड़ी क्वांटिटी में वो अवेलेबल है, दैट इज स्टॉक। मतलब कोई भी ऐसा सामान, या आप इसे और आसान शब्दों में समझिए, जैसे गवर्नमेंट स्टॉक लगाती है गेहूं का, फिर कोटों के जरिए बांटती है, तो वो जो बड़ी क्वांटिटी में अपने पास रखती है किस लिए, ताकि ह्यूमन बींग की नीड्स को पूरा किया जा सके। रिजर्व्स आर द सब्जेक्ट ऑफ स्टॉक्स विच कैन बी पुट इनटू यूज विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्निकल नो हाउ, बट देयर यूज हैज नॉट बीन स्टार्टेड। रिजर्व वो होते हैं, ये भी एक तरह का स्टॉक ही है, पर और इनका उपयोग किया जा सकता है, पर अभी इनका उपयोग करना शुरू नहीं किया। जैसे रिजर्व नेशनल पार्क्स होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होते हैं, ये फ्यूचर जनरेशन के लिए बचाई गई हैं। नेक्स्ट हेडिंग इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि प्राकृतिक संसाधनों का इस तरह उपयोग किया जाएगा कि आने वाली जनरेशंस के लिए भी चीजें या संसाधन बच सके, उनका उनकी भी जरूरतें पूरी हो सके। मतलब आज की जनरेशन अपनी जरूरतें इस तरह पूरी करेगी कि आने वाली जनरेशंस के लिए भी रिसोर्सिस बच सके। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। इस तरह संसाधनों का उपयोग करना कि आने वाली जनरेशन की जरूरतें, मतलब कि सेक्रीफाइस ना हो, उनके लिए भी संसाधन बच सके। तो एक क्लाइमेट समिट हुआ था, अर्थ समिट 1992 में, रियो दी जिनेरियो ब्राजील के अंदर है। इन 1992, ब्राजील की कैपिटल, आप मुझे बताइएगा, इन 1992 मोर देन 1000 हेड्स ऑफ स्टेट, मतलब अलग अलग देशों के 1000 से ज्यादा डिप्लोमेट्स, नेता रियो दी जेनेरियो में मिले ब्राजील में फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल समिट। द समिट वॉज कन्वेन्ड फॉर एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्लोबल लेवल, ताकि ये जो प्रकृति की समस्या, जो पॉल्यूशन, या लोगों, देखो आप खुद सोचो, इतना ज्यादा पॉल्यूशन मानव आज के दौर में फैला रहा है। अमेरिका का पर कैपिटा कार्बन एमिशन 23 टन है पर ईयर का, एक व्यक्ति के हिस्से में 23,000 किलो कार्बन एमिशन, इंडिया में 2.4 के आसपास है, पर फिर भी, और इतनी ज्यादा पॉपुलेशन, लैंड डिग्रेडेशन, फैक्ट्रियों से धुआं, तो प्रकृति, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है जिसकी वजह से जो स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर है वो डिप्लेट हो रही है, फिर अर्थ, सूर्य की डायरेक्ट यूवी रेज धरती पे पहुंचती है और लोगों के जीवन को इफेक्ट करती है। तो यहां मानव को समझना चाहिए कि जो प्रकृति ने हमें संसाधन दिए हैं उनका सही से उपयोग करें, नहीं तो फिर प्रकृति एक दिन कह देगी कि भाई अब मेरे बस का तो है नहीं तुम लोगों की जरूरतें पूरी करना, क्योंकि तुमने मेरा पहले ही बहुत एक्सप्लोइटेशन कर लिया। तो यहां लोगों को समझना चाहिए कि ये प्रकृति के पास संसाधन लिमिटेड है और हमें इन संसाधनों को बहुत सोच समझ के यूज करना है।
असेंबल्ड लीडर, तो ये लीडर इकट्ठे हुए ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के ऊपर, जो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से बड़े बड़े ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं। अब देखो, जब बड़े बड़े बर्फ के ग्लेशियर पिघलेंगे, तो जो हमारे इसमें है फ्रोस्ट जोन में है, तो फिर क्या होगा, सी लेवल बढ़ेगा, और जब सी लेवल बढ़ेगा, समुद्र का स्तर बढ़ेगा, तो जो आइलैंड्स हैं, या जो फिर बाढ़ आएंगी, आइलैंड्स पानी में छिप जाएंगे, मतलब डूब जाएंगे। तो ये बहुत ज्यादा जरूरत है हम लोगों को कि प्रकृति को प्रोटेक्ट करें। द रियो कन्वेंशन एंडोर्स्ड द ग्लोबल, तो दुनिया भर के देशों ने क्या अपनाया, एजेंडा 21। अब ये एजेंडा 21 किस लिए था, ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव किया जा सके। और याद रखना, ये हर देश के अंदर भी, राज्यों के स्तर पे भी इसको लागू करना था, एजेंडा 21 को। आइए पढ़ते हैं एजेंडा 21 क्या था। इट इज द डिक्लेरेशन साइन्ड बाय वर्ल्ड लीडर्स इन 1992 एट द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, UNCED। कंपटीशन का क्वेश्चन स्टेट लेवल एंड UPSC। याद रखना, एजेंडा 21 कब हुआ, 1992, पहला पॉइंट। या फिर दूसरा पूछ लेगा, कौन सी कॉन्फ्रेंस में। या फिर तीसरा पॉइंट, कहां पे, ब्राजील दी मेरी ओदी जिनीडियो में। तो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट एम्स एट अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दुनिया भर के देश सस्टेनेबल डेवलपमेंट के वे में आगे बढ़ेंगे। इट इज एन एजेंडा टू कॉम्बैट एनवायरमेंटल डैमेज, पुअर्टी, डिजीज थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन कॉमन इंटरेस्ट, म्यूचुअल नीड्स एंड शेयर रेस्पॉन्सिबिलिटी। दुनिया भर के सभी देश एक साथ आएंगे, ताकि गरीबी, भूखमरी या फिर इस तरह प्राकृतिक जो समस्याएं हैं, उनको दूर किया जा सके। देखो, कोई भी नेचुरल जो प्रॉब्लम होती है, वो जस्ट बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन होती है। तो यहाँ पे मानव को क्या जरूरत है, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की, ताकि वो प्रकृति के संसाधनों के यूज को कम कर सके। और जब वो कम यूज होंगे, तो वो ज्यादा बचे रहेंगे। जब वो ज्यादा बचे रहेंगे, तो जो एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन है, वो उनका लंबे समय तक यूज कर पाएगी। वन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द एजेंडा 21 इज द एवरी लोकल गवर्नमेंट, मतलब एवरी लोकल, राज्यों की भी या पंचायत, या जो इंडिया के स्तर पे हम बता रहे हैं, या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, वो भी अपने स्तर पे इनको लागू करेगी। दुनिया भर के सभी देशों में लोकल गवर्नमेंट्स भी एजेंडा 21 को इम्प्लीमेंट करेगी। रिसोर्सिस प्लानिंग, देखो, प्रकृति ने हमें संसाधन लिमिटेड दिए हैं, हम मानते हैं, तो अब इनकी सही से प्लानिंग करनी पड़ेगी, तभी तो ये सही से उपयोग हो पाएंगे। और अगर रिसोर्सिस की प्लानिंग ना की, फिर तो वो वेस्ट हो जाएंगे, या वो सही दिशा में, या उनका सही से उपयोग नहीं होगा, फिर मानव की जरूरतें पूरी नहीं हो पाएंगी। अच्छा, आप देखो, आज दुनिया में हर देश एक दूसरे से आगे निकलना चाहता है, देश से, और निकलेगा कब, जब वो बहुत फैक्ट्रियां, बहुत प्रोडक्शन करेगा, तभी जब डेवलप्ड बनेगा, और तभी उसी वक्त वो उतना ही ज्यादा प्रकृति का दोहन भी कर रहा होगा। तो बहुत ज्यादा जरूरत है हम लोगों को इस प्रकृति को प्रोटेक्ट करने की। रिसोर्सिस प्लानिंग इंक्लूड द स्ट्रेटेजी एंड आइडियाज टू बी यूज्ड व्हाइल एक्सप्लॉइटिंग रिसोर्सिस सो दैट प्रेजेंट एंड फ्यूचर नीड्स कैन बी फुलफिल्ड। संसाधनों के लिए योजनाएं बनाना, कि उनका उपयोग कैसे करना है, ताकि सही से सभी व्यक्तियों की, प्रेजेंट जनरेशन की भी और फ्यूचर जनरेशन की भी जरूरतें पूरी हो सके। लैंड रिसोर्सिस, अब इसकी तो बात ही क्या करी जाए, लैंड रिसोर्सिस की, ये तो प्रकृति से हमें बहुत लिमिटेड मिला है, क्योंकि जानते ही हैं 71% में तो, से ज्यादा में तो वही है हमारा वाटर है। अब लैंड इतना कम, ऊपर से फिर अच्छा, लोगों की नीड्स, भाई जब एक घर पर्याप्त है, तो 5 प्लाट या 6 प्लाट या 7 घर बनाने की जरूरत क्या है। अब वो बन तो जाते हैं, आदमी लेके भी रख लेता है, सिक्योर फील करता है, पर ये तो सोच भाई कि प्रकृति में उतनी प्रोडक्टिव लैंड क्या हो गई, कम हो गई। आज आप देखो, जगह जगह कॉलोनियां कट रही हैं, या फिर पेड़ काटे जा रहे हैं, या फिर इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं, उससे क्या होगा, उससे प्रकृति के जो जमीन है, फर्टाइल लैंड है, वो कम होती चली जाएगी, प्रकृति और पॉपुलेशन बढ़ती चली जाएगी, और फूड प्रोडक्शन भी तो कम होगा जब जमीन कम होती चली जाएगी, फिर वही, फिर रिसोर्सिस की कमी, और मानव, फिर चीजों के रेट बढ़ेंगे, गरीबी आएगी, भुखमरी आएगी, यही सब समस्याएं हैं। कहने प्रकृति यही तो कहती है कि भाई जरूरतें तो पूरी कर सकती हूं, पर लालच को पूरा नहीं कर सकते।
लैंड रिसोर्सिस, वी लिव ऑन अ लैंड एंड परफॉर्म अवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड यूज लैंड इन, हम बहुत तरीकों से जमीन का उपयोग करते हैं, हम सब रहने के लिए भी, वेस्ट, इवन वेस्ट भी तो हम लोगों का धरती पे ही फिकता है, तो उसके लिए भी यूज होता है. लैंड इज एन एसेट, जमीन एक संपत्ति है फॉर फाइनाइट मैग्नीट्यूड, और ये लिमिटेड है, ये भी याद रखना है. देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट टू यूज द अवेलेबल लैंड फॉर पर्पज विद केयरफुल प्लानिंग. तो जमीन का उपयोग बहुत सही तरीके से करना बहुत ज्यादा जरूरी है. आप देखो आज अपने आसपास ही देख लेना कितने ज्यादा घर बनते जा रहे हैं, कॉलोनियां, नई नई कॉलोनियां बन रही हैं. तो अब वो बन तो जाएंगी, ठीक है, हम मान रहे हैं, पर उतनी जमीन प्रकृति से फर्टाइल लैंड कम होती जा रही है. अब मान लो जैसे 10 बीघे में कोई कॉलोनी कटी, अब 1 बीघे में 30 क्विंटल, 3 क्विंटल गेहूं होता है, तो 10 बीघे में 30 क्विंटल गेहूं अब प्रकृति में नहीं होगा. क्यों? क्योंकि वो उस पर तो घर बन चुके. सेम इसी तरह यहां पे मानव को बहुत ज्यादा जरूरत है प्रकृति को प्रोटेक्ट करने की. मानव में हम भी हैं और आप सब भी हैं. तो ये देखिए 27% प्लेट्यूज हैं पठार, जैसे छोटा नागपुर प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू, ये सब. 43% प्लेन्स हैं और 30% हमारे यहां माउंटेन्स हैं. लैंड यूटिलाइजेशन, लैंड रिसोर्सिस आर यूज फॉर फॉलोइंग पर्पज, इन चीजों के लिए उपयोग होता है. जंगलों के लिए, फॉरेस्ट्स के लिए उपयोग होता है ताकि ऑक्सीजन जनरेट किया जा सके. लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, आज के दौर में आप देखते हैं कि जमीन कम होती जा रही है, खेती की जमीन बहुत शहरों में तो अवेलेबल बहुत कम है, गाँव में तो चलो फिर भी आ जाए क्योंकि वहां पॉपुलेशन कम है, पर आप जानते हैं इंडियन एग्रीकल्चर जीडीपी में बहुत कम कंट्रीब्यूशन करती है, 12.5-13% के आसपास, इसीलिए उसमें क्या हो रहा है, लोग वो प्रॉफिटेबल नहीं रह रही है तो उसको छोड़ रहे हैं लोग. अब एक व्यक्ति सोचता है कि भाई अगर मैं इस जमीन पे खेती करूं 10 बीघे पे तो मेरे को कितना बचना है साल में, मुश्किल से 2 लाख रुपए. अब उसी 10 बीघे को वो बेच के 50 लाख रुपए उसको मिलता है या 1 करोड़ मिलता है अगर अच्छी जगह है. अब उस 1 करोड़ का ब्याज अगर इंटरेस्ट देखें तो वो 1 लाख रुपए. तो वो किसान क्यों करे खेती फिर, उसके लिए प्रॉफिटेबल वो है ही नहीं. जब यही परिणाम है कि आज हमारे देश में या दुनिया भर में लैंड एग्रीकल्चर की कम होती जा रही है और एग्रीकल्चर को प्रॉफिटेबल नहीं माना जा रहा. बैरन एंड वेस्ट लैंड भी है, फिर बंजर जमीन और जो जिस या बेकार पड़ी है या रेगिस्तान जैसी जमीन जिसका कोई उपयोग नहीं है उसमें भी जमीन बहुत ज्यादा बेकार हो जाती है. लैंड पुट नॉन एग्रीकल्चर यूज, और फिर जमीन का उपयोग कहाँ होता है, रोड फैक्ट्रीज बनाने में भी होता है, फैलो लैंड्स में भी. फैलो लैंड के अंदर क्या आता है, करंट फैलो लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 or less than 1 एग्रीकल्चर है, जिसका 1 साल. अब जैसे मान लो अगर हमने 1 साल किसी जमीन पे कोई फसल नहीं उगाई तो क्या होगा, उतना ही प्रोडक्शन कम हो गया नेचर में, तो वो करंट फैलो. अदर देन करंट फैलो जो 5 साल या 1 साल से 5 साल के बीच में छोड़ी जाए खाली, जिस पे खेती नहीं उगाई जा रही है, दैट इज कॉल्ड अदर करंट फैलो. अदर अनकल्टिवेटेड लैंड एक्सक्लूडिंग फैलो लैंड, परमानेंट पॉस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड. अब इतने ज्यादा जानवर भी हैं, कल्टीवेट मतलब कि पशु भी हैं, तो फिर उनके लिए भी बहुत घास उगाना है. अब वो घास कब उगेगा, जब प्लेन लैंड्स होंगे, और प्लेन लैंड्स कब आएंगे, जब पेड़ कटेंगे तभी तो घास उग पाएगा, और अगर घास उग रहा है तो फिर खाने वाली फसलें नहीं उग पाएंगी. अब जब खाने वाली फसलें नहीं उगेंगी तो फिर भुखमरी. तो यहाँ पे लोगों को ये सोचना है कि प्रकृति का बहुत ही, हमें बहुत ही ज्यादा समझ के यूज करना है. लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रो नॉट इंक्लूडेड इन द नेट सोन एरिया, और फिर इस तरह की झाड़ियां सी उस पे उग जाती हैं कुछ जमीनों पे जो किसी काम की नहीं है. जैसे आपने बहुत जगह देखा होगा रोड के साइड में होती हैं, अगर हम उस पे पेड़ लगा दें वो तो प्रॉफिटेबल है क्योंकि वो तो ऑक्सीजन और वो करेगा, पर वो जो झाड़ियां ऐसी उगी हुई हैं वो तो किसी काम की नहीं है ना. कल्चरेबल वेस्ट लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड, जो 5 साल से ज्यादा ऐसी पड़ी है जमीन बेकार जिसका कोई उपयोग नहीं हो रहा वो हो रहा है, वो कल्चरेबल वेस्ट लैंड है. नेट सोन एरिया अगर हम देखें इंडिया का, ये डाटा हमारे सामने है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इसका PDF तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा. तो फॉरेस्ट हमारे यहाँ देख लीजिए कितने परसेंट है, अब ऐसे इसमें कलर्ड नहीं है तो आपकी बुक में, पर ये है मैं आपको दिखा देता हूँ पेज नंबर किस पे है, ये देखिए इसमें हम इसको देख लेते हैं. फॉरेस्ट हमारे यहां कितने में है, 18% में है, ठीक है. बैरन लैंड जो बंजर जमीन पड़ी है बेकार 12%, 12.01, और
एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूज 4.95%, परमानेंट ग्रेजिंग लैंड जो घास फूस के लिए या फिर घास के लिए जिन पे घास उगता है जमीन पर वो 4.71% है, और एरिया अंडर मिसलिनियस ट्री क्रॉप्स ये कितना है हमारे यहाँ। इस तरह आप इस डाटा को देख लीजिएगा। कल्चरेबल वेस्ट लैंड हमारे यहाँ है 4.17%, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए। और फैलो अदर लैंड हमारे यहाँ कितनी है 3.50%, और करंट फैलो हमारे यहाँ 3.7%, और नेट सोन एरिया जिसपे फसलें उगती हैं 45.26%। ये था 1960 और 1961 का जब, और ये है 2008 और 9 में। अब 2008-09 में अगर आप देखो जंगलों की जमीन बढ़ी है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसके लिए वो किए थे प्रिवेंशन, जैसे फॉरेस्ट प्रिवेंशन एक्ट हुआ, ठीक है, इस तरह से। और नेट सोन एरिया भी बढ़ा है 46.24%, क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, पर ये बंजर जमीन वाला एरिया कम हुआ है, वो 12% था, अब 8.61% है। एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूज जो वेस्ट पड़ा है ये भी बढ़ा है, तो यानी ये नुकसान की चीज है, क्योंकि वेस्ट लैंड बढ़ गई है इंडिया के अंदर, कूड़ा जहां पे फेंका जाता है जो नॉन प्रोडक्टिव चीज है वो 4.95% थी, अब 5.57% है। ये परमानेंट पास्चर लैंड जो जहां पे घास उगता था जिन जमीनों पर वो 4.7% था, अब 3.38% है, ये घट रहा है। और एरिया अंडर, इसीलिए आप देखते हैं आज दूध के रेट कहां पहुंच रहे हैं, 60-70 तक बिक रहा है। एरिया अंडर मिसलिनियस ट्री ग्रोव्स ये 1.50 था, ये 1.11 रह गया है, ये भी ट्रीज वाला एरिया भी घट रहा है। तो ये सब डाटा का कंपैरिजन आप अच्छे से कर सकते हैं, बुक में पेज नंबर 6 पर अवेलेबल है आपकी एनसीईआरटी की, ठीक है। अगर नया एडिशन है तो आप देख लीजिएगा। लैंड डिग्रेडेशन, अब देखो लैंड कम भी होती जा रही है। लैंड डिग्रेडेशन ऑकर्स व्हेन द इकोनॉमिक एंड बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड इज लॉस्ट, जब जमीन की उत्पादकता दर खत्म हो जाए तब लैंड डिग्रेडेशन होती है। अब लैंड डिग्रेडेशन क्यों हो रही है, क्योंकि ओवर यूटिलाइजेशन हो रहा है रिसोर्स। मानव फर्टिलाइजर और मैन्यूर्स डाल के जमीन में क्या कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कर रहा है, जमीन अपनी उत्पादकता क्षमता खोती जा रही है, उससे क्या होगा फिर लैंड डिग्रेडेशन। ओवर ग्रेजिंग हो चुकी है तब लैंड डिग्रेडेशन। माइनिंग खुदाई के चक्कर में कितनी जमीन बेकार हो जाती है, क्योंकि जब जैसे सोने की खुदाई, अब उसमें कितनी मिट्टी वेस्ट होती है, कितनी जमीन खराब हो जाती है। डिफोरेस्टेशन की वजह से लैंड डिग्रेडेशन है, जंगलों की कटाई हो रही है। लैंड कंजर्वेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, जमीन को बचाना बहुत ही ज्यादा, इस क्योंकि अब से अगर हम 40 साल बाद की बात करें कैसे मानव सर्वाइव करेगा जब इतना ज्यादा पोल्यूशन या ये सब चीजें होंगी। लैंड कंजर्वेशन, क्योंकि हर व्यक्ति की आज के दौर में नीड्स बढ़ती जा रही है ना, उसको एसी भी चाहिए, घर में फ्रिज भी चाहिए, तो बहुत सारी चीजें हैं। लैंड कंजर्वेशन इज रिक्वायर्ड फॉर द कंसेप्ट ऑफ लैंड कंजर्वेशन, ये कट है, इन अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वे, और हमें प्रकृति को इस तरह सेव करना है ताकि आने वाली जनरेशन के लिए भी बच सके। जैसे सबसे पहले हमें रिसोर्सिस का बहुत कम से कम उपयोग करना, वेस्ट नहीं करना उनको, जैसे पानी वेस्ट नहीं करना, जमीन पे इधर उधर कूड़ा नहीं फैलाना या पोल्यूशन नहीं क्रिएट करना, वो सब चीजें। मेक एफिशियंट एफर्ट टू रिड्यूस माइनिंग, और माइनिंग के को क्या करना है, कम करना है। एफोरेस्टेशन, और पेड़ों को ज्यादा से ज्यादा लगाना है। अब अगर एक व्यक्ति गोल्ड ना पहने तो यानी देखो गोल्ड की माइनिंग नहीं होगी तो फिर कितनी ज्यादा जमीन बच सकती है, पर मानव वो उसको गोल्ड पहन के दिखाना है दुनिया को, तो अब वो जो 10 ग्राम या 20 ग्राम या जितना भी वो कब आया होगा, जब प्रकृति का एक्सप्लोइटेशन हुआ होगा। तो यहां मानव को समझना चाहिए, ह्यूमन बीइंग को, कि उसको अपनी जरूरतों को बहुत मिनिमाइज करना है। तो वाटर एरोडेड एरिया 56% है, फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरिया जहां पे 28% है, और गवर्नमेंट का टारगेट इसको 33% करने का है। सेलाइन एंड एल्काइन जहां पे गिलगिली मिट्टी है वो 6% है, और विंड एरोडेड एरिया जहां पे बहुत तेज हवाएं चलती हैं वो 10% एरिया है। इंडिया का वेस्ट लैंड इन 2000 में, ठीक है, ये 2000 के हिसाब से है डाटा। सोयल एज अ रिसोर्स, सोयल, अब मिट्टी तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है देखो, क्योंकि वहीं से सब कुछ उगता है। सोयल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज, इट इज द मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड सपोर्ट डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ, और इसी से ही जीवन चलता है, क्योंकि मिट्टी से ही उत्पादन होता है, फिर मानव या और सभी जानवर या पशु पक्षी सब अपना भोजन यहीं से ही प्राप्त करते हैं, या और भी जो हमारे को रॉ मटेरियल मिलता है वो मिट्टी की उत्पादकता से ही मिलता है। द सोयल इज अ लिविंग सिस्टम, इट टेक मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म, और मानव क्या कर रहा है, इन्हें अपने लालच के लिए एक्सप्लोइट कर रहा है।
टॉप सोयल, तो सोयल की चार लेयर होती हैं, टॉप सोयल, द अपर सोयल लेयर कहा जाता है इसको, फिर उसके बाद सब सोयल, वेदर्ड रॉक सैंड एंड सिल्ट क्ले, और ये आपकी बुक में भी बना हुआ है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, इसमें थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। ये रहा देखो, ये अनवेदर्ड पेरेंट रॉक है, उसके बाद सबस्ट्रम वेदर्ड पेरेंट रॉक, और फिर सब सोयल वेदर्ड रॉक सैंड एंड, और फिर ये वाली सबसे ऊपर वाली लेयर क्या होती है, टॉप सोयल कहलाती है, जिसमें फसलें उगती हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सोयल, इंडिया हैज वेरिड रिलीफ फीचर्स, लैंड फॉर्म्स, क्लाइमेटिक रिलीम रियल्स एंड वेजिटेशन टाइप दीज। हमारे यहाँ अलग अलग प्रकार के मौसम है, इतनी बढ़िया क्वालिटी की मिट्टी और अलग अलग तरह की मिट्टी अवेलेबल है, अलग अलग तरह की वेजिटेशन है, तो बहुत हम इतने रिच होने के बाद भी नेचुरल रिसोर्सेज में, फिर हम प्रकृति को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं आज के दौर में। एनजीओ या गवर्नमेंट अपने स्तर पे कोशिश कर रही है, पर उसके साथ साथ हम सिटीजन्स को भी इस चीज में कॉन्ट्रीब्यूट करना है कि हम भी अपने नेचर को बचा सकें। तो सोयल के टाइप्स क्या होते हैं, एलुवियल सोयल, अ यंग सोयल ड्राइव्ड फ्रॉम रिवर एस्ट्रीन, अ मरीन डिपॉजिट, जो रिवर के बहाव के साथ आती है, या फिर जैसे रिवर का फ्लो हो रहा है और यहाँ पे ऐसे हो रहा है और यहाँ पे ये इकट्ठी होती जा रही है, और ये प्लेन्स बन जाते हैं, नॉर्दर्न प्लेन में, इंडिया के नॉर्दर्न एरिया में यही सोयल ज्यादा पाई जाती है। एस्ट्रीन एंड मरीन या समुद्र से आती है जो, और बहुत इनमें फर्टिलिटी बहुत ज्यादा होती है। अब एलुवियल सोयल भी दो तरीके की है, खादर एंड भंगर, लेट अस सी। खादर क्या है, द खादर सोयल आर फाउंड इन लो एरिया ऑफ वैली, ये निचले इलाकों में मिलते हैं, बॉटम ऑफ अ वैली विच आर फ्लडेड एवरी ईयर, जहां पे हर बाढ़ आती रहती है वहां पे मिलते हैं, ये टेक्सचर में फाइन होती है, द खादर इज अ लाइट इन कलर, और इसका कलर बहुत हल्का होता है, एंड इज कम्पोज ऑफ न्यू डिपोजिट्स, और ये क्योंकि बाढ़ आएगी वो अपने साथ नए डिपोजिट्स लाएगी, उससे बनती है खादर, इसको न्यू सोयल भी कहा जाता है, और बंगर सोयल को ओल्ड एलुवियल भी कहा जाता है, और खादर सोयल को न्यू एलुवियल। द बंगर सोयल आर फाउंड इन हायर रीच अबाउट 30 मीटर अबव द फ्लड लेवल, और जो समुद्र का या फिर बाढ़ का स्तर होता है उससे 30 मीटर ऊंचाई पे ये मिलती है। दिस सोयल हैज कंसेंट्रेशन ऑफ कंकर नडल्स देन द खादर, और इसमें छोटे छोटे कंकर भी होते हैं। ब्लैक सोयल, ये कॉटन के लिए बहुत बढ़िया होती है, और वो वीट के लिए थी ऊपर वाली, वीट या पैडी वो सब फसलें। दीज सोयल आर ब्लैक इन कलर एंड आर ऑल्सो नोन एज रगूर सोयल, तो ये कॉम्पिटिशन का क्वेश्चन बन रहे हैं आपके सारे यहाँ से, ब्लैक सोयल को रगूर सोयल भी कहा जाता है, कॉटन के लिए सबसे बढ़िया है। बिलीव्ड दैट क्लाइमेटिक कंडीशन विद द पेरेंट रॉक मटेरियल आर द इम्पोर्टेंट, ज्यादातर ये डेक्कन प्लेट्यू में मिलती है, इसीलिए गुजरात और महाराष्ट्र या फिर उस तरफ केरला वाले इलाके में ही ये ज्यादा पाई जाती है, डेक्कन प्लेट्यू में। इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द ब्लैक सोयल, और पेरेंट रॉक इसके उत्पादन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। रेड एंड येलो सोयल, रेड सोयल डेवलप इन द क्रिस्टलाइन इग्नीशियस रॉक में होती है ये, इट इज मेनली फाउंड इन लो रेनफॉल एरिया, जहां पे बारिशें कम होती है मेनली वहां पे मिलती है ये, इन द ईस्टर्न एंड साउथर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू के ईस्टर्न और साउथर्न पार्ट में मिलती है, डेक्कन प्लेट्यू के, भारत के ईस्टर्न और साउथर्न में नहीं है याद रखना, जैसे ओडिशा एंड छत्तीसगढ़ में वहां पे ये ज्यादा मिलती है। लेटराइट सोयल, द लेटराइट सोयल डेवलप्स इन एरियाज विद हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल, जहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो और बारिशें बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में हो, इनके अंदर ह्यूमस कंटेंट ऑफ द सोयल इज लो, ह्यूमस कम होती है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर्टिकुलरली द डीकम्पोजर लाइक बैक्टीरिया डिस्ट्रॉयड, किस कारण वो मर जाते हैं इस क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई होता है और ह्यूमस इनमें क्या होती है, कम होती है। लेटराइट सोयल इन मेनली फाउंड इन केरला, कर्नाटका, आसाम एंड तमिलनाडु में आमतौर पर ये मिलती है, और कॉफी और टी के लिए, क्योंकि कर्नाटका में हमारे यहाँ के सबसे ज्यादा क्या होती है, कॉफी या आयरन मिलता है, और केरला में हमारा कॉटन हो गया या स्पाइसेस हो गए, और टी हमारा आसाम में हो गया। अच्छा मेरे को ये बताइएगा, तमिलनाडु के अंदर कौन सा पोर्ट है, बंदरगाह है, देखते हैं आप जानते हैं क्या। एरिड सोयल, एरिड सोयल इज रेड ब्राउन इन कलर, ठीक है ये रेड होती है और ब्राउन भी होती है इन कलर में, दे आर जनरली सैंडी और रेतेली टाइप होती है थोड़ी, इट इज मेनली फाउंड इन हाई टेम्परेचर एरिया में मिलती है, जहां पे टेम्परेचर हाई हो, इट रिड्यूस मॉइस्चर ग्रेजुअली आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन, और इसका मॉइस्चर कम हो जाता है जब इसको अच्छी तरह से इरिगेट किया जाता है। इट इज मेनली फाउंड इन वेस्टर्न कोस्ट, और ये कहां पे मिलती है, इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पे यानी राजस्थान वाले एरिया पे।
मैं आपको मैप पे भी दिखाता हूँ सोयल डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया के अंदर, एक बार देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स, ग्रीन वाला पोर्शन कहाँ कहाँ पे फॉरेस्ट और माउंटेन है हमारे यहाँ, मिट्टी फॉरेस्ट और माउंटेन वाली मिट्टी, ये इधर है ये इधर है। एलुवियल सोयल, ये मैंने बताया था नॉर्दर्न प्लेन पूरा एलुवियल सोयल से कवर अप है, और थोड़ा सा हमारा आंध्रा वाला एरिया भी है, तमिलनाडु का भी एरिया है। ब्लैक सोयल मैंने बताया डेक्कन प्लेट्यू पे, ये पूरे डेक्कन में ब्लैक सोयल है, ठीक है। लेटराइट सोयल, रेड एंड येलो सोयल रह गई, सॉरी रेड एंड येलो सोयल हमारी कहाँ पे है, छोटा नागपुर प्लेट्यू में है, ठीक है। तो ये सब, और इधर हमारा तमिलनाडु आंध्रा तेलंगाना और केरला वाले एरिया में है, यहाँ पे याद रखना है आप, हमारी रेड एंड येलो सोयल और ब्लैक सोयल हो गए। लेटराइट सोयल हमारी कहाँ पे मिलती है, ठीक यहाँ पे, और ये राजस्थान के कुछ एरिया में। और एरिड रेतीली मिट्टी, रेत तो पता ही है राजस्थान या थोड़ा सा एरिया गुजरात का, आपके बुक में ये पेज नंबर 9 पे है, जरूर देखिएगा इसको, ठीक है ना। और मैप को रोजाना फिलअप किया कीजिए, नदियों के या फिर जो उस पे इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं, सिटीज या फिर कौन सी नदी किस राज्य से गुजर रही है या कहाँ पे जाके वो डेल्टा बन, बहुत इम्पोर्टेंट है अगर आप बड़े एग्जाम्स की तैयारी के बारे में सोच रहे हैं। इवन एज अ स्टूडेंट ऑफ ज्योग्राफी यू शुड नो दैट। तो सोयल इरोजन, द डिनुडेशन ऑफ सोयल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग, जब मिट्टी, जो मिट्टी की टॉप सोयल लेयर है वो पानी के कारण धुल जाए या फिर मानव के किसी एक्सप्लोइटेशन के कारण या फिर नेचुरल डिजास्टर के कारण अपनी जगह से खिसक जाए या फिर वो यूज की ना रहे, दैट इज सोयल इरोजन। कॉजेज क्या है, जैसे सही तरह से अगर मान लो किसी की व्यक्ति को खेती करना नहीं आता और वो फर्टिलाइजर या मैन्यूर उल्टे सीधे डाल दे तो फिर मिट्टी क्या होगी, खराब हो जाएगी, सोयल इरोजन। और पानी बहुत तेजी से उसे अपने साथ बहा कर ले गया, जब बाढ़ आती है तो आपने देखा होगा पानी का कलर व्हाइट नहीं होता, वो मिट्टी वाला होता है, क्यों, क्योंकि वो अपने साथ मिट्टी को बहा कर ले जा रहा होता है, सोयल इरोजन। एनी अदर रिलेवेंट पॉइंट, सोयल कंजर्वेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा। खुद सोचिए कि अगर मिट्टी को नहीं बचाएंगे तो फिर मानव के लिए उगाएंगे कहां से, रिसोर्सेज कहां से लाएंगे। दीज आर सम वेज थ्रू विच सोयल कैन बी प्रिजर्व, जैसे फॉरेस्ट या बायोस्फीयर रिजर्व बना के, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना के, काउंटर फार्मिंग करके, टेरिस फार्मिंग या फिर वो गली फार्मिंग बनती है, ये तो टेरिस फार्मिंग पहाड़ों पे चलती है। गली फार्मिंग क्या होता है, इस तरह से जो पानी आता है वो सारा इधर से निकल जाता है और खेती इसके इस साइड होती है। तो उम्मीद है गाइज आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपकी कोई क्वेरी है इस चैप्टर से रिलेटेड तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम आपको उसका आंसर देने की पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे। और देखिए एज अ सिटीजन आप इस चीज को जरूर याद रखिएगा कि नेचर को प्रोटेक्ट हम लोग ही करेंगे, गवर्नमेंट तो पॉलिसीज बना देगी पर उनको फॉलो अप करना हम लोगों की जिम्मेदारी है। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप हमारे चैनल से भी जुड़ सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके अगर आप जुड़ना चाहते हैं। और बाकी अगर आपको कोई किसी भी चीज से, इससे नोट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम उसको सोल्व कर देंगे। जो ये पहले बनी थी ना वीडियो, उसमें क्या था, बहुत सारी कमियां थी राइटिंग्स में या फिर स्पेलिंग मिस्टेक्स थी, तो वो सब हमने इस वीडियो के अंदर सोल्व आउट करने की कोशिश की है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, धन्यवाद, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। और जो भी बच्चे 2022 में बोर्ड एग्जाम देंगे उनके लिए ये बिल्कुल सही समय है तैयारी शुरू करने का, बहुत ही बढ़िया टाइम है, क्योंकि अगर आप अभी से शुरू करोगे तो जहां तक उम्मीद है सितंबर अक्टूबर तक या नवंबर तक आप अपने सिलेबस को कवर अप कर चुके होंगे, जो भी सीबीएसई का सिलेबस है। फिर आपके पास ऑप्शंस हैं सैंपल पेपर, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर पेपर, तो पेपर आने तक जब आपका पेपर होगा आप तैयार होंगे पूर्ण रूप से। तो समय वेस्ट ना करते हुए आप पढ़िएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, धन्यवाद।